कैमरा से निकल चुका है। अरे भाई ब्लॉग क्लिक। हाँ ये अपना मंकी मैन। अरे बता दीजिए ना। स्वागत है फिर से एक नए और फ्रेश ब्लॉग पे। सबों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों मैं हूँ अभी भिलाई में सेक्टर 1 पे, जो कि यहाँ पे गणेश पंडाल इतना गजब गजब तरीके का बनाया जाता है एकदम नए नए थीम पे। तो हम लोग अभी यहाँ सेक्टर 1 पे आए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भिलाई में। मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ गणेश पंडाल। पिछले बार मैं आया था वो पहला वाला ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, तो बने रहना ब्लॉग पे, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे सेक्टर 1 में कि गणेश पंडाल किंग कॉन्ग के थीम पे बना है, जो कि एकदम कुछ नया यूनिक लग रहा है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाएंगे आपको कि अंदर में क्या क्या रहता है। तो बने रहना ब्लॉग पे, चलो मिलते हैं। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा गणेश पंडाल बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में। यहाँ रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, यहाँ पे ना एकदम गजब गजब थीम का यहाँ पे पंडाल बैठाया जाता है। तो हम लोग हैं फिलहाल अभी सेक्टर 1 में, तो यहाँ पे भाई लोगों के साथ आए हैं। यहाँ पे एक नया थीम बनाया गया, तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ, शायद किंग कॉन्ग वाला थीम है। तो चलिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का कैसा रहता है, यहाँ का एंट्री क्या है। वैसे यहाँ पे तो मुझे DM करके बुलाया गया, तो लेट्स सी, देखते हैं, है ना। अभिजीत क्या अभिषेक भाई, हेलो अभिजीत क्या अभिषेक, अभिजीत अभिजीत अपना अभिजीत भाई यही लेके आया है यहाँ पे सेक्टर 1। और ये अपना क्या शिवेश तिग्गा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आए हैं यहाँ पे सेक्टर 1। तो चलते हैं अंदर में और दिखाते हैं कि अंदर का थीम कैसा है, किस टाइप का थीम बनाया गया है, और देखते हैं क्या क्या अंदर में देखने को मिलता है। तो बने रहना ब्लॉग पे, लेट्स सी। यहाँ पे मेला भी लगा है, तो अपन जाते हैं जस्ट सामने में, वो पंडाल है वो देख सकते हैं आगे, तो जस्ट सामने में पंडाल है, जाके दिखाते हैं। बन सो गाइस, आप लोग एक्साइटेड है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे सामने में किंग कॉन्ग वाला जो पंडाल में जो आपको दिखाना चाहता था, यहाँ का जो भिलाई का जो बहुत ही हरीशन, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो किंग कॉन्ग वाला जो थीम है वो जस्ट सामने में है। ये देखो VVIP पास, VIP पास और जनरल गेट, तीनों गेट अलग अलग है। पास विशाल भंडारे तो सहयोग राशि के पास जाकर ले सकते हैं। अंदर जाके देखते हैं कैसा रहता है सीन, बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहना ब्लॉग पे दोस्तों। विशाल भंडारा है तो सहयोग राशि देकर गाइस बहुत खुशी की बात है, हम लोग को VIP क्या बोलते हैं एंट्री मिल चुका है। तो अपन जाते हैं जल्दी से और अंदर का शूट करेंगे, ठीक है। गाइस फाइनली हम लोग अभी किंग कॉन्ग वाला जो सेक्टर 1 में पंडाल है पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बनाया गया पंडाल। तो चलते हैं, लेट्स गो। VIP से एंट्री करते हैं, फिर चलते हैं गाइस अंदर। भैया बोल दिए बोला, अभी चलते हैं।
तो हाँ, तो भाई अपन बताएंगे क्या थीम पे। अरे बता ना यार, क्या थीम पे उसको बता दो। तो भैया बताएंगे, कौन बताएंगे भैया क्या थीम पे है बता दोगे? हाँ, पहली बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखिए ये सीजी मिरर कल्चर गणेश उत्सव समिति सेक्टर 1 सड़क 11 मैदान है जी भैया। लगातार 2700 वर्ष इस साल जैसे कि किंग कॉन्ग के रूप में पर्यावरण और मंकी जानवरों को बचाने के थीम में हमने एक झांकी बनाई है भिलाई शहर के लिए जी। और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जी। बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ पहली बार कुछ नया देखने को मिला, जैसे कि भैया यहाँ पे बताए कि जानवरों को देखते हुए मतलब उनके निरीक्षण के लिए मतलब एक कुछ ऐसा थीम बनाया गया है। तो बहुत मजा आएगा, नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मंकीज दिख रहे हैं जो लोगों को बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, ये देखो। तो अंदर चलते हैं और अंदर जल्दी जाके दिखाते हैं। हेलो गाइस, अंदर आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग अभी टनल के अंदर घुस चुके हैं गाइस, और अंदर दिखाते हैं कैसा माहौल है। थोड़ा गर्मी टाइप से लग रहा है, यहाँ पे पंखा तो नहीं है। ये देखो गाइस, भयंकर गर्मी है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार, कैसे करें, हालत खराब हो रहा है। अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। अरे वाह, ये टाइटैनिक जहाज चलाते हुए, ये देखो गाइस टाइटैनिक जहाज चला रहा है अपना मंकी की। यार गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊँ, हालत खराब हो गया सच में। मतलब ना सुरंग बनाए हैं तो थोड़ा सा पंखा भी देना चाहिए, बट कोई नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे और कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे अपना वो और एक मंकी। Thank you.
ये देखो स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं। गाइस इतना ही था यहाँ का जो किंग कॉन्ग थीम पे जो आधारित है, क्या चैप्टर वन का जो क्या बोलते हैं गणेश पंडाल, जो कि बहुत ही गजब का था। अभी हम गणेश भगवान जी को अंदर दर्शन करने जाएंगे, देखेंगे और दिखाते हैं क्या गजब का दिख रहा है। जैसे कि जानते हैं कि हर साल की तरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि सेक्टर वन का जो गणेश थीम जो यहाँ का समिति द्वारा जो आयोजित किया जाता है, जो कि हर साल कुछ नया लेके आता है, यूनिक रहता है। तो आप लोग भी ज़रूर आना अगली बार से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब कुछ नया देखने को मिला इस बार। पिछले बार क्या था मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं रायगढ़ का ज़्यादातर शूट करता हूँ और अभी मैं हूँ भिलाई में। तो ये देखो इतना ज़्यादा भीड़, ये जो सामने देख रही है नॉर्मल टिकट, और जो यहाँ पे तीन तरह का टिकट, एक नॉर्मल है, एक वीआईपी और एक वीवीआईपी है। तो अपन को यहाँ पे समिति द्वारा जो भैया है वो वीवीआईपी पास दिए थे, तो अपन को जल्दी एंट्री मिल गया, तो थैंक यू भैया, और यहाँ के गणेश समिति को हम धन्यवाद देते हैं। तो चलते हैं अपने भाई लोग, बाकी लोग शायद वहाँ वेट कर रहे हैं। अपन भाई अपना अभिजीत भाई के साथ यहाँ पे शूट करके आ गए, क्योंकि दो ही जन को अलाउ किया था। तो चलते हैं अंदर पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है। अब दिखाते हैं अंदर का मेला, ये देखो यहाँ पे मेला भी लगा है गाइस। डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है। अभिजीत भाई आकाश जिला में जाने वाला है, जो कि हम लोग का तो हिम्मत नहीं है, दोनों जन जा रहे हो, जाओ चले जाओ। नहीं बैठाएगा ना, डबल बैठाएगा। ये देखो अपना अभिजीत ब्रो रेडी है। तो यहाँ पे अपन भेल खाते हैं, यहाँ पे भैया मस्त भेल बनाते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपन ब्लॉग कर करके थक गए हैं, तो अभी अपन बादाम शेक पीते हैं, तो कैसा टेस्ट लगता है यहाँ का पता नहीं भिलाई का। तो अपन शिवेश भाई के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं ये वाला कृष्णा मिक्स आइसक्रीम फालूदा, पूछते हैं। ये देखो गाइस, अरे 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 छुआने वाला है, ये देखो 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 कैसा लगा बैठ के बता। काजी लगा तो मजा आ गया, लेकिन डर लगा कि लेकिन वीडियो नहीं बना पाया डर। अरे देखो भाई वीडियो नहीं बना पाया, मैं उसको वीडियो बनाने के लिए भेजा था, अभी बंद हो निकल पा रहा था ना, इतना स्पीड चल रहा था ऐसा। चलो चलो कोई बात नहीं। और आपको डर लगा कि? अरे डर लगा, ये हिम्मत वाला आदमी है कैसे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 2 ना, सेक्टर 2 का पंडाल जा रहे हैं। वहाँ पे क्या थीम पे बना है बाकी मैं रील्स में देखा था, यहाँ का रील पे वो भिलाई वाला का मैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जाके दिखाते हैं वहाँ पे किस टाइप का कौन से थीम पे बना है, तो अपन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी शूट करें कर पाए, और क्राउड देखते हैं कैसा रहता है, और आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। A few moments later. So guys, finally हम लोग ये सेक्टर 2 का जो आदिवासी थीम पे आधारित जो बना है गणेश पंडाल अपन पहुँच चुके हैं। तो ये जस्ट देख सकते हैं सामने में है,
तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का आदिवासी थीम गणेश पंडाल जो कि सेक्टर 2 भिलाई। ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे जो अपन ये जो पंडाल पाए हैं ये है सेक्टर 2 का क्या बोलते हैं आदिवासी थीम पर जो बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ सिनेमेटिक वीडियोस के जरिए, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये है भिलाई का आदिवासी थीम पर आधारित। अभी हम लोग एंट्री करते हैं और अंदर का दिखाते हैं कि गणेश भगवान जी का मूर्ति किस तरह से है। तो चलते हैं अंदर में, यहाँ पे शूज उतारने बोल रहे हैं भैया लोग, फिर अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके दर्शन कराते हैं। लेट्स गो गाइस, ये एंट्रेंस यहाँ का। अरे भाई लोग बता दो मतलब क्या थीम पे बना है ये सेक्टर 2 का? माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। चलो बहुत बढ़िया। और कब तक रहेगा मतलब यहाँ पे पंडाल? मंडे तक ना, मंडे को विसर्जन होगा, ट्यूसडे को होगा शायद, मंडे को ना हवन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आना आप लोग भी जरूर आना यहाँ पे, 11 दिन बाद पूरा उठा के लेके जाना। ठीक ठीक ठीक, चलो अंदर थोड़ा जोर सागर। ये देखो गाइस क्या गजब दिख रहा है। अरे बता दीजिए ना यहाँ का थीम का मतलब क्या है टॉपिक? ये देखो गाइस इतना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन आपका भाई के लिए यहाँ पे VVIP एंट्री फ्री मिला था, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मतलब मैसेज किया गया था कि यहाँ पे आके यहाँ का शूट करो, वीडियो रील्स बनाओ और कोलैब करना। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अपन को ना यहाँ पे जितने भी सारे पंडाल थे वहाँ पे VVIP का फ्री एंट्री मिला था, तो अपन जाके शूट कर लिए सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्यार दिखाना भिलाई वासियों और रायगढ़ वासियों, तो बने रहना ब्लॉग पे। लेट्स गो टू होम। ये
नीचे घुमाए, जितना ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे आप लोग गाड़ी से घूम ही नहीं सकते। तो दोस्तों हम लोग सेक्टर वन और सेक्टर टू का जो पंडाल कवर किए, तो यहाँ पे यार ये चीज़ मतलब मैं नोटिस किया कि यहाँ पे ना जितना भी पंडाल्स होते हैं ना उसके क्या बोलते हैं वहाँ पे झूला वूला वगैरह आता है, क्योंकि ये सब रायगढ़ में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो भिलाई में यार इतना अच्छा से मतलब हर चीज़ मतलब जो भी फेस्टिवल होता है एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। हालत ख़राब हो चुकी है, मैं बहुत थक गया हूँ गाइस। तो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और ऐसे ही प्यार देते रहना। टाटा।